स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैनल ये लेकर आए हैं हम आपके लिए पार्ट फोर ऑफ द चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन मैन जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ मेल एंड फीमेल ह्यूमन देन वी विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपन्स इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस और इसी पे बेस कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ठीक है प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया था सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लार उसी के लाइन्स पर हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन्स तो उससे पहले हम ये डिस्कस करें किमल रिप्रोडक्शन जो है Uh, वो क्या है ह्यूमन जो है उससे पहले करने से पहले एनिमल डिस्कस करें तो इन एनिमल्स मोस्ट केसेस देर आर सेपरेट सेक्सेस ठीक है जैसे हमने फ्लावर में भी डिस्कस किया था कि बोथ द सेक्सेस कैन बी प्रेजेंट ऑन द सेम बॉडी और इट कैन बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट बॉडीज तो जनरली एनिमल्स में ऐसा होता है कि सेक्सेस आर सेपरेट दैट इज इट इज़ डाइशियस ठीक सेम में होगा यहाँ पे तो uh, वो क्या हो जाएगा मोनोशियस या बाई सेम बॉडी में है तो वो बाई हो जाएगा ठीक एनिमल के केस में हम उसको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं तो ऑफ द स्पीशीज दैट कैरी आइदर मेल और द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सम ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थ आर हर्माफ्रोडाइट हर्माफ्रोडाइट मीन्स बाई सेक्शुअल फाइन हर्माफ्रोडाइट मीन्स बाई सेक्शुअल दैट इज बोथ द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट इन द सेम बॉडी

puberty is द एज इट is द एज एट विच द ऑर्गेनिज्म या हम ऑर्गेनिज्म क्यों बोले हम तो मैन की बात कर रहे हैं तो मैन की बात करें द ह्यूमन अटेन्स सेक्शुअल मेच्योरिटी ठीक है सेक्शुअल मेच्योरिटी ये वो एज है जब वो अटेन कर लेंगे ठीक है, फाइन अब देखिए भाई क्या हम बात कर रहे हैं कि कौन सी एज है जब ये हो रहा है तो जनरली दिस इज अ पीरियड ऑफ पीरियड बिटवीन 11 टू 14 इयर्स इन बॉयज एंड 11 टू 12 इयर्स इन गर्ल्स ठीक है जैसे ही बॉयज अपना जो यंग एज uh, है वो क्रॉस करते हैं और जिसको हम लोग बोलते हैं टीन में एंटर करते हैं उस पीरियड को हम अडोलिसेंट पीरियड भी बोलते हैं उसमें बड़े सारे चेंजेस होते हैं फिजिकल चेंज होता है इमोशनल चेंज होता है बिहेवियरल चेंज होता है जो कि हम बहुत हम सब ने एक्सपीरियंस किया है अपने ग्रोइंग अप में और आप सब अभी उसी एज में हैं तो आप में से बहुत लोग अभी ये सब एक्सपीरियंस कर रहे होंगे तो क्या क्या चेंजेस हैं जैसे इसमें कुछ लिखे हुए हैं मेल के केस में जो फिज़िकल के चेंजेस हैं फिजिकल मतलब जो एक्सटर्नल चेंजेस हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या क्या है ग्रोथ पर दैट इज़ फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाता है बियर्ड्स एंड मुस्टेज appear karne lagenge deepening of voice the voice also change increase in lean muscle mass underarm and pubic hair growth okay there are growth in uh, hair growth in the private parts then enlargement of genitals and then the first ejaculation also occurs during this period of puberty fine during this physical change emotional changes are also there mood swings यू स्टार्ट डिसलाइकिंग और लाइकिंग समथिंग सडनली देन बींग मोर सेंसिटिव कोई जरा सा कुछ कह देता है तो उस बात का बहुत बुरा मान के बैठ जाते हैं स्पेशली अपने पेरेंट्स और टीचर्स की बात का बड़ा बुरा मान जाते हैं देन फीलिंग सेल्फ कॉन्शियस अबाउट फिजिकल चेंजेस यू स्टार्ट यू नो टेकिंग योर अपियरेंस इज़ वेरी सीरियसली वॉट यू हैव टू वेयर हाउ यू हैव टू लुक यू बिकम वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट इससे पहले क्या होता था कि मम्मी जो भी पहना के बाहर भेज दें You are comfortable. But when you enter this age uh, or this period of pubertal change, there you start becoming more conscious. You start taking your own decisions that what you have to wear, how you need to get your hair cut. boys Then feeling differently about peers.

इंक्रीज इन फैट मासन पार्ट ऑफ द बॉडी स्पेशली इन दोवर एरिया जो वेस्ट रीजन है उसमें फैट मास का इंक्रीज होगा ये सब फिजिकल चेंजेस जो है आपको प्योबर्टी के दौरान देखने को मिलते हैं और ये चेंजेस हो रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हारमोन्स ओके दीज चेंग प्लेस अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ हारमोन्स ये हारमोन्स ये चेंजेस कॉज करा रहे हैं क्योंकि उस समय पे बॉडी तैयार हो रही है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिफोर प्यूबर्टी बिफोर प्यूबर्टी द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस इट इज़ नॉट केपेबल टू रिप्रोड्यूस ठीक आफ्टर द प्यूबर्टी हिट्स देन सेक्शुअल मेचोरिटी अराइजेज ठीक है तो ये हो गया प्यूबर्टी अब आते हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ठीक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा जो मेन पार्ट है वो है टेस्टीज टेस्टीज इज द स्ट्रक्चर विच इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस द मेल गैमिट ठीक है तो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें तो दिस इज द पोर्शन वेयर द टेस्टीज इज प्रेजेंट। ठीक है दिस इज द पोर्शन वेयर द टेस्टीज इज प्रेजेंट ठीक टेस्टीज जो है मेल में आउटसाइड द बॉडी पाई जाती है इनसाइड द बॉडी नहीं एबडोमिनल कैविटी के अंदर नहीं पाई जाती इसका रीजन क्या है अगर लोकेशन ऑफ टेस्टीज की बात करें तो लोकेटेड आउटसाइड द द कैविटी लोकेटेड आउटसाइड द एबडोमिनल कैविटी और क्या रीजन है आउटसाइड द एबडोमल कैविटी कहाँ पे ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा स्क्रोटम सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको क्या बोला जाएगा स्क्रोटम ठीक तो लोकेटेड आउटसाइड द एबडोमल कैविटी इन स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक ठीक है क्या बोल सकते हैं स्क्रोटल सैक ठीक है फाइन ये क्या रीजन है क्यों नेचर ने ऐसे डिवाइस किया कि टेस्टी इसको बॉडी के बाहर या एबडोमन के बाहर डिसेंड करा दिया क्योंकि इसमें बनने हैं स्पर्म्स ठीक है यहां पे बनने हैं स्पर्म्स स्पर्म हैज टू बी फॉर्म और स्पर्म जो है उसको बॉडी टेम्परेचर जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है जो मेल की बॉडी टेम्परेचर है उससे टू 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 पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर चाहिए ठीक है तो इट रिक्वायर्स स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स टू 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 पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर दैन द बॉडी ठीक है देन द बॉडी बॉडी से इतना कम होना चाहिए टेम्परेचर तब जाके स्पॉम बन पर पाएगा इस वजह से जो है टेस्टी बॉडी के बाहर आ गया टेस्टीज और यहाँ पाता है अगर बॉडी के अंदर रहता तो ये टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता इस वजह से इसको बाहर डिसेंड हो गया डिसेंड करना पड़ा इन स्क्रोटल सैक अच्छा ये शुरू से ऐसा नहीं होता अगेन ये चेंज कब आएगा प्यूबर्टी के टाइम पे ठीक है द टेस्टीज विल डिसेंड outside the abdominal cavity at the time of puberty ठीक है that it is इज uh, developing अभी वो develop ही हो रहा होता है ठीक है फिर उसके बाद तो main structure हो गया testes और कितने हैं testes a pair ठीक है a pair of testes यानी दो testes हैं एक human being में ठीक है दो lobes हैं testes के अभी testes के ऊपर एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा होगा ये ये टेस्टिस को सराउंड करते हुए उसके अराउंड एक स्ट्रक्चर है जिसको बोल रहे हैं एपीडिडाइमिस क्या बोल रहे हैं एपीडिडाइमिस एपीडिडाइमिस एपी बेटा क्या करता है ये स्पर्म को स्टोर करता है क्या करता है स्टोर द स्पॉम ठीक है स्टोर द स्पॉम कब तक स्टोर करेगा जब तक स्पॉम मेच्योर नहीं हो जाता जैसे स्पम मेच्योर होगा उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा इस स्पम को वापस बॉडी के अंदर जाना है है ना क्योंकि इसको भाई पास करना है ना बॉडी से बाहर जाना है ना स्पर्म को तो स्पर्म कहाँ बनेगा टेस्टीज में बनेगा टेस्टीज में बनने के बाद कहाँ पे जाएगा एपिडिडाइमिस में वहाँ पे थोड़े समय के लिए स्टोर होगा मेच्योर होगा जब मेच्योर हो जाएगा तो फिर वहाँ से कहाँ चला जाएगा वास डेफरेंस वास डेफरेंस एक देख रहे हैं आप बेटा ये पतली सी ट्यूब है जो स्पर्म को स्क्रोटम से लेकर एबडोमन में जाती है ठीक है स्पॉम को स्क्रोटम से लेकर एबडोमन में जाएगी ठीक यहाँ पे वापस बॉडी में आ गया ये वास डिफरेंस जो है स्क्रोटम से जब एब्डोमेन में जाता है तो वहाँ एक पतली सी कनाल होती है उसको कहते हैं इंग्विनल कनाल इंग्विनल कनाल ठीक है ये जो है इस इंग्विनल कनाल के थ्रू ये वास डिफरेंस जो है स्क्रोटम से निकलकर कर में चला जाता है ठीक फिर वहाँ पे जाके ये कहाँ पे जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में इसको जाना है क्योंकि यूरिन और स्पर्म के पास होने का रास्ता मेल्स में एक ही है ध्यान दीजिएगा और यूरिनरी ब्लैडर आप एक्सक्रिटरी सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये यूरिन को स्टोर करता है ठीक तो ये स्पर्म को भी स्टोर करेगा लेकिन यह स्पर्म अकेले नहीं स्टोर होगा वहाँ स्टोर होने से पहले इस तरफ से आपको दिखाई देंगे यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एसेसरी ग्लैंड हैं क्या हैं एसेसरी ग्लैंड कौन कौन से ग्लैंड है भाई सेमिनल विजाइकल प्रोस्ट्रेट ग्लैंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये सब कुछ जो है एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करेंगे ये तीनों ग्लैंड एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करेंगे जिसको बोला जाएगा सीमेन क्या बोला जाएगा सीमेन तो सीमेन इज सिक्रीशन ऑफ दीज थ्री ग्लैंड प्लस द स्पर्म वो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में और यूनरी ब्लैडर से होते हुए यूरेथ्रा के रास्ते वो पेनिस के थ्रू बाहर चला जाएगा फीमेल बॉडी फीमेल वजाइना में या जहाँ पे भी ठीक है तो ये जो है ये सेमिनल वेजाइकल प्रोस्ट्रेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं सबका अपना फंक्शन है जैसे सेमिनल वेजाइकल जो है ये सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है टू लुब्रिकेट द स्पम ठीक है टू लुब्रिकेट द स्पम ठीक प्रोस्ट्रेट ग्लैंड जो है ये क्या करता है न्यूट्रलाइज द एसिडिक मीडियम इन द न्यूट्रलाइज द एसिडिक मीडियम ये एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ वजाइना कौन कर रहा है ये प्रोस्ट्रेट ग्लैंड ठीक है प्रोस्ट्रेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी स्पर्म के मोटिलिटी में मूवमेंट में हेल्प करेगा बल्बो यूरेथ्रल को काउपर ग्लैंड भी कहते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तीन ग्लैंड है।, है ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं नरिशिंग होते हैं फ्रक्टोज कंटेन करते हैं ठीक है दे कंटेन फ्रक्टोज तो सीमेंट क्या है बेसिकली सिक्रेशन ऑफ द स्पर्म सॉरी ऑफ द सॉरी मेल स्प इन को मिलाकर साथ में क्या बोला जाएगा सीमेन ठीक है साथ में इनको क्या बोला जाएगा Fine. तो ये हो गया, और ये जो है कंटेन करते हैं न्यूट्रिशस सब्सटेंसेज लाइक फ्रक्टोज ठीक है न्यूट्रिश सब्सटेंसेज लाइक फ्रक्टोज ठीक फाइन ये हो गया अब यहां से जो है यूरिनरी ब्लैडर में ये सीमेंट uh, जाएगा और जब भी इजैकुलेशन होगा ये है स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं पेनिस दिस इज द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ मेल क्या है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ये वो पैसेज है जिसके थ्रू यूरिन भी बाहर जा रहा है और स्पर्म भी बाहर जा रहा है तो स्पर्म के डिस्चार्ज को बोला जाता है इजैक्यूलेशन ठीक है और ये कब होगा जब स्पर्म इजैक्यूलेट हो रहा होगा तो पेनिस क्या हो जाएगी इरेक्ट ठीक है पेनिस क्या हो जाएगी इरेक्ट एट द टाइम ऑफ इजैक्यूलेशन ऑफ स्पर्म बिकम इरेक्ट एट द टाइम ऑफ इजैक्यूलेशन ऑफ स्पर्म कैसे होगा क्योंकि यहाँ पे इरेक्टाइल टिश्यू है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है इरेक्टाइल टिश्यू ये इरेक्टाइल टिश्यू जो है पेनिस uh, को अंडर द एनवायरमेंटल स्टिमुलस हॉर्मोनल स्टिमुलस जो है ये इरेक्शन कॉज करेगा और उस इरेक्शन के थ्रू दिस विल अलाउ द स्पर्म टू बी ट्रांसफर्ड इन टू द वजाइना ऑफ द फीमेल ठीक है तो ये सब स्ट्रक्चर्स हो गए क्या क्या मेन स्ट्रक्चर है अ पेयर ऑफ टेस्टीज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रोटम ठीक बाहर इसलिए है क्योंकि स्पर्म के प्रोडक्शन में 2 टू 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर चाहिए देन द बॉडी टेम्परेचर फिर क्या है यहाँ पे uh, टेस्टिस के अराउंड एक स्ट्रक्चर है एपिडिडाइमिस जो कि स्पर्म को स्टोर करके रखता है और यहाँ से जब स्पर्म मेच्योर हो गया तो वास डेफरेंस के रास्ते इंग्विनल कनाल के थ्रू होते हुए ये कहाँ चले जाएंगे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिनरी ब्लैडर में जाने से पहले स्पर्म को और कौन कौन मिलेगा सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेजाइकल सिक्रीशन ऑफ प्रोस्ट्रेट ग्लैंड एंड सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ठीक है ये सब अपना सिक्रीशन जो है वास डेफरेंस में पोर कर देंगे जो स्पर्म है जहाँ पे और इसको अब हम लोग क्या कहने लगेंगे सीमेन ये सीमन कहाँ चला जाएगा यूरेनरी ब्लैडर में और यूरेनरी ब्लैडर के थ्रू यूरेथ्रा के रास्ते पेनिस तक जाते हुए वजाइना ऑफ द फीमेल में ट्रांसफर हो जाएगा ट्रांसफर होने के टाइम पे पेनिस जो है इरेक्ट हुआ होगा ड्यूट विद द हेल्प ऑफ दिज इरेक्टाइल टिश्यू एंड देन द स्पम विल बी ट्रांसफर ठीक है आइए अब आगे देखें तो ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिंप्लीफाइड है वो तो पूरी बॉडी में था यहाँ पे आप जैसे देखिए तो ये आपको टेस्टीज दिखाई दे रहा है ठीक है ये भी टेस्टीज़ है जैसे मैंने आपको बताया पेयर ऑफ टेस्टीज़ ठीक ये इसके किनारे लगा हुआ कॉइल्ड स्ट्रक्चर है एपीडिडाइमिज इस टेस्टीज़ के अंदर की अगर बात करें बेटा हम लोग तो ये आपको जो है कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे हैं ऐसे चेम्बर्स ठीक है ये दिख रहे हैं आपको इसको हम लोग बोलते हैं सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल क्या बोलेंगे ट्यूब्यूल ठीक है और जो है सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल में ही क्या बनेंगे स्पर्म्स क्या बनेंगे प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ठीक अभी हम लोग जब प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन देखेंगे उसको कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस वहां पे हम ज्यादा डिटेल में इसको समझेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अब यहां पे बेटा दो सेल्स होती हैं लेडिक सेल्स और सर्टोली सेल्स ठीक है इनका भी रोल हम लोग आगे देखेंगे तो टेस्टीज में दो तरीके की सेल प्रेजेंट है कौन कौन सी लेडिक सेल एंड सर्टोली सेल ठीक है फाइन फिर यहां पे स्पम बना सेमनी ट्यूब्यूल में ठीक यहाँ से एपिडिडाइमिस में स्टोर हुआ एपिडिडाइमिस से आप जैसे देखिए ये वास डेफरेंस के रास्ते होते हुए कहाँ चला गया वास डेफरेंस यूरिनरी ब्लैडर अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से ग्लैंड थे सेमिनल वेजाइकल प्रोस्ट्रेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ठीक है और यहाँ से इन्होंने अपना सिक्रीशन भी यूरिनरी ब्लैडर में डाल दिया अब साथ में उसको हम लोग क्या बोलेंगे सीमेन ये सीमेन जो है यूरेथ्रा के रास्ते

तो ये देखिए अ पेयर ऑफ ओवरी है यहाँ पे ये दो ओवरी हैं और ये दोनों ओवरी जो है एक लिगामेंट से अटैच हैं आप देखिए ये एक लिगामेंट से यहाँ पे अटैच हैं किस से अटैच है एक पियर शेप पियर मतलब नाशपाती ठीक है नाशपाती के आकार का यूटरस है स्ट्रक्चर ठीक पियर शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड द यूटरस ये ओवरी जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से हेल्ड है इस स्ट्रक्चर को बोलते इन फंडीबुलम क्या बोलेंगे भाई इन फंडीबुलम ठीक ये इन फंडीबुलम जो है ओवरी को होल्ड करके रखता है और यहां से आता है निकलता है ये ट्यूब जिसको कहते हैं ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब क्या कहेंगे ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब ठीक है क्लियर तो ये हो गया अब यहां पे क्या है कि जो गैमीट है जो फीमेल गैमीट है ओवा देखिए बेटा वो बनेगा इसमें ओवरी में लेकिन इसकी स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है मेल जैसा नहीं है मेल में स्पर्म का प्रोडक्शन शुरू होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी है ना स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है वो प्यूबर्टी के एज पे स्टार्ट होता है लेकिन फीमेल में बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो गया होता है अभी फीमेल बॉर्न नहीं हुई होती है उसमें वो एग का प्रोडक्शन या ओवा का प्रोडक्शन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो गया होता है बिफोर द बर्थ ठीक है वहां पे अब देखिए आप तो यहाँ पे जो है उस टाइम पे बहुत सारे जो भी फॉलिकल्स हैं वो बन चुके होंगे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो उस मेच्योर फॉलिकल को बोला जाता है कॉर्पस लूटियम क्या बोला जाएगा कॉर्पस लूटियम ये कॉर्पस लूटियम जब रप्चर करेगा तो इसमें से निकलेंगे ओवा ये ओवर रिलीज होगा ओवरी से और इसको इनफनडिबुलम कैच करेगा और इनफनडिबुलम कैच करके कहां पे भेज देगा ओविडक यहाँ पे पेनिस ने स्पर्म डाल दिया वजाइना में और स्पर्म यहां से स्विम करते हुए जो है सर्वेक्स यूटेस को पार करते हुए पहुंच जाएंगे ओविडक में कहाँ पहुंचेंगे ओविडक में तो वहां पे एग ऑलरेडी प्रेजेंट होगा स्पर्म आ गया होगा दोनों की मीटिंग होगी और फर्टिलाइजेशन होगा तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बेटा क्या हुआ फेलोपियन ट्यूब या ओवीडक्ट ठीक है फेलोपियन ट्यूब या ओवीडक्ट फर्टिलाइजेशन ना यूटेरस में होगा ना वजाइना में होगा ना सर्विक्स में होगा ना ओवरी में होगा होगा फेलोपियन ट्यूब में अगर इसको यहाँ पे फॉर्म नहीं मिला तो ये जो एग है ये डीजेनरेट करके मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज हो जाएगा अनफर्टिलाइज्ड एग डिस्चार्ज हो जाएगा ठीक वो अभी हम आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखेंगे तो क्या क्या हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ ओवरी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच आर होल्डिंग द ओवरी कनेक्टिंग टू द ओविडक्ट आर इन ऊपर ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन uh, हो रहा है फिर है यूटेरस ठीक यूटेरस में जो है यहाँ पे क्या होगा अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश होगी तो यहाँ पे यूटेरस में इम्प्लांटेशन हो जाएगा ठीक जाइगोट का और ये इम्प्लांटेशन यहाँ पे होगा प्रेगनेंसी विल स्टार्ट तो पूरा डेवलपमेंट जो नाइन मंथ का जेस्टेशन पीरियड है नाइन मंथ का जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो यूटेरस में होता है ठीक और यूटेरस की जो वॉल है, है, है उसको कहते हैं इनर वॉल है उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम ठीक है हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में यही एंडोमेट्रियम की वॉल शेड होती है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ अगर प्रेगनेंसी नहीं स्टेब्लिश हुई अगर इस्टेब्लिश हो गई तो ये एंडोमेट्रियम की वॉल जो है थिक हो जाती है और पूरे नाइन मंथ्स जो है डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है एक और बाहर की वॉल है यूटरस की उसको कहते हैं मायोमेट्रियम ठीक है क्या कहते हैं मायोमेट्रियम ये मायोमेट्रियम क्या है बेटा यूटरस की मिडल वॉल है ये क्या करता है ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है ठीक है ये क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स जब ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेगा तभी जो है चाइल्ड मदर की बॉडी से बाहर पुश होके आता है तो एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ मायोमेट्रियम अंडर गोज कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन टू पुश द चाइल्ड आउट ऑफ द मदर्स बॉडी फिर यहाँ पे सर्विक्स है ठीक है सर्विक्स इज नोन एज द नेक ऑफ द यूटरस यहीं पे बर्थ कनाल भी है इधर साइड ये है सर्वाइकल कनाल और द बर्थ कनाल ठीक यहीं से जो है चाइल्ड बाहर रिलीज होगा और ये है वजाइना ठीक है दिस इज द वजाइना वजाइना इज के बाहर जो है वो फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होगा तो वजाइना रिसीव्स द स्पर्म्स फ्रॉम द पेनिस फाइन ये देखिए जो एक और डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बॉडी में तो ये बॉडी के पेल्विक कैविटी में लाई करेगा ठीक है और यहाँ पे जैसे आपको वहां पे भी दिखाया तो ओवरी है ये इसको होल्ड किए हुए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इन इनफंडिबुलम ये ओविडक ओवीडक्ट के ऊपर ये यूटरस है ठीक है पियर शेप, ये इसका सर्विक्स है और ये जो है बेटा ये क्या है सर्वाइकल कनाल और द बर्थ कनाल ठीक है सर्वाइकल कनाल और द बर्थ कनाल ठीक है यहीं से चाइल्ड जो है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ डिलीवरी के टाइम पे बच्चा बाहर रिलीज होगा ये वजाइना है जहाँ पे पेनिस एंटर करता है और इसके बाहर ये सब जो आप देख रहे हैं ये क्या है ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जिसको बोलते हैं वल्वा ठीक है क्या बोलेंगे वल्वा ठीक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है क्लाइटोरिस ये आपको दिख रहा होगा ये एरिया क्लाइटोरिस सेक्सुअल स्टिमुलेशन में हेल्प करता है ठीक है सेक्सुअल अराउजल में हेल्प करता है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स और ये फिर जो है एक, वल्वा के ही पार्ट है ये वजाइना की ओपनिंग है वजाइना के ओपनिंग के बाहर दो लिप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा जो वेजाइना को क्लोज करके रखते हैं ठीक लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा स्मॉल लिप इज लेबिया माइनोरा एंड लार्ज लिप इज लेबिया मेजोरा लेबिया मेजोरा के ऊपर ही है प्यूबिक हेयर ग्रो करते हैं और बेटा ये सिर्फ वजाइना की ओपनिंग को नहीं गार्ड करता ये यूरेनर जो यूरेथ्रा है उसकी ओपनिंग को भी गार्ड करता है ठीक तो आप ये देखिए यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है ठीक यहाँ से यूरिन पास होगा और यहाँ से आ, या तो चाइल्ड बर्थ होगा या पेनिस की एंट्री होगी या मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज होगा तो मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज इसके थ्रू हो रहा है वजाइना की ओपनिंग के थ्रू और यूरिनेशन यहाँ से हो रहा है तो फीमेल में ओपनिंग कॉमन नहीं है मेल में कॉमन ओपनिंग है मेल में जहाँ से यूरिन निकलेगा वहीं से स्पॉम निकलेगा फीमेल में ऐसा नहीं है फीमेल में दोनों की ओपनिंग जो है वो सेपरेट है बट दोनों को गार्ड किया है वलवा ने दोनों की ओपनिंग को गार्ड किया है वलवा ने तो ये हमारा फीमेल का यूरेनरी सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है साइड बाय साइड दोनों पेल्विक रीजन में एक ओपनिंग यूरेथ्रा है एक ओपनिंग वजाइनल ओपनिंग है दोनों के डिस्चार्जेस सेपरेट हैं और दोनों की गार्डिंग जो है वो सेम स्ट्रक्चर कर रहा है वो है वलवा ठीक है तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड दिस इज द एनस जिसके थ्रू फीकल मैटर डिस्चार्ज होगा ठीक है तो ये फीकल मैटर का डिस्चार्ज पॉइंट है ये वाला ये अनफर्टिलाइज्ड एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिस्चार्ज का स्पॉट है या चाइल्ड बर्थ का स्पॉट कह लो चाहे आ, penis, आ, वो पॉइंट कह लो और ये यूरिन डिस्चार्ज का वो है ठीक है अब आइए देखा जाए द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन ठीक है प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन ठीक है दैट इज नोन एज है तो देखिए बेटा ये एक क्रॉस सेक्शन है सेमिनी फेरिस ट्यूब्यूल का मैंने आपको बताया था टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट्स हैं उनको क्या बोलेंगे ट्यूब्स है कॉम्प्लेक्स ट्यूब उसको क्या बोला जाएगा सेमिनी फेरिस ट्यूब्यूल ठीक ये देखिए टेस्टिस के अंदर ये है इतने सारे है ना तो इस सेमनी फेरिस ट्यूब्यूल में बेटा यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऐसी सेल्स हैं ठीक है थीके? ये बनाती हैं, ये तो एपिथीलियम है ये बनाएंगी जर्मिनल एपिथीलियम, ठीक है ये क्या है जर्मिनल एपिथीलियम, ठीक है भाई क्लियर ये क्या होगा जर्मिनल एपिथीलियम ये सेल बेटा डिप्लॉइड है कैसी है डिप्लॉइड 2n, यानी इनमें फुल सेट ऑफ क्रोमोजोम है और ह्यूमन की बात करते हैं तो कितने होंगे 46 कितने होंगे 46 ठीक अब यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे लगातार माइटोसिस होगा बेटा क्या होगा माइटोसिस और ढेर सारी सेल्स बनेंगी ठीक है तो ऐसे डिप्लॉइड सेल्स बहुत सारी बन जाएंगी ठीक अब यहाँ पे कुछ सेल्स जो हैं, वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट करेंगी और तैयार हो जाएंगी स्पॉर्म बनाने के लिए ठीक तो यहाँ पे माइटोसिस हुआ माइटोटिक डिविजन कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स और उन्होंने अपने आप को डिफ्रेंशिएट किया और वहां पे अब शुरुआत होगी मियोसिस की अब किसकी शुरुआत होगी मियोसिस की आपको मियोसिस माइटोसिस क्लियर नहीं है तो हमारी चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है आ, क्लास नाइन्थ के सेल चैप्टर में वहां पे आप पढ़ सकते हैं वहां भी बताया हुआ है मैंने ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा अब मियोसिस शुरू होगा अब देखिए मियोसिस में बेटा क्या हो जाता है क्रोमोजोम नंबर हाफ हो जाता है है ना और मियोसिस दो स्टेजेस में होता है मियोसिस वन एंड मियोसिस टू तो यहाँ पे अभी बेटा मियोसिस वन जो है वो होगा तो जिस सेल में मियोसिस वन हो रहा है उस सेल को हम लोग क्या बोल रहे हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या बोल रहे हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बेटा कैसा है टू कैसा है टू ठीक क्योंकि ये ये माइटोसिस का प्रोडक्ट है ना माइटोसिस में जितना सेल क्रोमोजोम पेरेंट सेल में है उतना ही क्रोमोजोम जो है डॉटर सेल में भी होता है ठीक है जो डॉटर सेल मतलब जो नई सेल बनी है ठीक है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसा है टू एन अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस वन कंप्लीट होगा तो ये कैसे हो जाएंगे हाफ हो जाएंगे है कि नहीं टू एन से क्या हो जाएंगे एन है ना टू एन से क्या हो जाएंगे एन और इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटो स्पर्मेटोसाइट क्या बोला जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस वन कंप्लीट होगा तो अब जो नई सेल बनेंगी उसको क्या बोला जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड है ठीक अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बेटा मियोसिस टू होगा और ये मियोसिस टू में चार बन जाएंगे दो से चार हो जाएंगे और ये भी हाफ़ ही है ऑलरेडी हाफ है अब दोबारा हाफ नहीं होगा हाफ का हाफ़ नहीं हो सकता ठीक तो ये भी एन है ठीक है तो अब यहाँ पे इनको हम लोग बोला जाएगा ये हमारे स्पर्म सेल्स हो गए अब इनका डेवलपमेंट होगा सेक्सुअल सॉरी सेलुलर डिफ्रेंसीएशन होगा एपिडाइमिस में रहेंगे ठीक है और इनमें देखिए हेड बन गया नेक बन गया और टेल बन गया और अब स्पर्म पूरी तरीके से तैयार है ये हेपलॉइड हो गया

तो क्या हुआ बेटा स्पॉम कैसे बना सेमनी फेरेस्ट ट्यूब्यूल में है, सेल्स हैं जर्मिनल एपिथीलियम जो लगातार डिवाइड करेंगी माइटोसिस करेंगे और अपना नंबर बढ़ाएंगी इसी में से कुछ सेल्स जो हैं वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेंगी वो कहलाएंगी प्राइमरी परमेटोसाइट डिफ्रेंशिएट मतलब थोड़ा सा बाकियों से अलग कर लेंगी और स्पॉम बनने के लिए तैयार हो जाएंगी ठीक है फिर यहाँ पे जो है न, आ, क्या हुआ कि ये जो प्राइमरी परमेटोसाइट है इसमें अब क्या स्टार्ट होगा मियोसिस न और वो मियोसिस वन कंप्लीट करके बना देंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो ऑलरेडी हाफ हो गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस टू होगा मियोसिस टू में क्रोमोजोम नंबर हाफ नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी हाफ हो चुका है तो यहाँ पे फिर बन गई नई सेल्स बट इसमें अभी भी क्रोमोजोम नंबर क्या है हाफ ठीक तो अभी हो गए हमारी डेवलपिंग स्पर्म सेल्स अब ये स्पर्म सेल्स को सर्टोली सेल नरिश करेगा मेच्योर करेगा और इसमें डेवलप हो जाएंगे पूरा जो टेल नेक हेड जो स्पर्म में होता है और ये सेंटर ऑफ द सेमनी फेरस ट्यूब्यूल में स्टोर हो जाएंगे ठीक है जैसे आप देखिए ये अभी सटोली सेल्स में एम्बेडेड है ठीक है यहाँ पे कुछ दिन रहेंगे एम्बेडेड रहेंगे उस सेल से नरिशमेंट लेंगे इसीलिए इनको नर्स सेल्स भी कहा जाता है ठीक है ये स्पर्म को नरिश करेंगे नरिश करने के बाद सेंटर ऑफ द सेमनी ट्यूब्यूल में रिलीज कर देंगे वहां से एपिडिडाइमिस में जाएंगे और नरिश होंगे इनको इतने नरिशमेंट की क्या जरूरत है क्योंकि इनको स्विम करके जाना है। they have to go against the gravity. है, है, भाई वजाइना नीचे फेलोपियन ट्यूब ऊपर तो मेल बॉडी इन टू कॉज फर्टिलाइजेशन ऑल्सो ठीक है तो अब वहां से ये में भी स्टोर होंगे वहां पे भी नरिश होंगे तो ये तो हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ एट द टाइम ऑफ स्टार्ट्स एट द टाइम ऑफ ऑनसेट इसका जो है ऑनसेट एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी और जो है एंड ये कभी नहीं होता लाइफ लॉन्ग चलता है मेल्स अगर प्यूबर्टी से स्टार्ट करें तो दे कैन गो ऑन प्रोड्यूसिंग स्पर्म टिल डेथ ठीक है इसका कोई सीजेशन नहीं होता अब ये ऊजेनेसिस देखा जाए तो जेनेसिस बेटा बिफोर बर्थ ही शुरू हो जाता है जैसे मैंने आपको पहले बताया तो ओवरी में सेल्स हैं ठीक है ये कहाँ पे अभी ओवरी की बात कर रहे हैं जो अभी जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है जो चाइल्ड अभी पैदा भी नहीं हुआ उसी के एम्ब्रियो में सेल्स हैं और इनका मियोसिस वन शुरू हो जाता है ठीक म्योसिस वन शुरू होगा जिसका म्योसिस वन शुरू होगा उस सेल को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी ऊसाइट क्या बोलेंगे प्राइमरी इनका अभी शुरू नहीं हुआ ठीक ये प्राइमरी जो है एक के अंदर ग्रो कर रहा है, क्या होते बेटा? सेल्सी होते है सेल्स होते हैं जो बहुत सारा न्यूट्रिशन भी अपने रखते हैं और उसके अंदर जो है ग्यामीट करता है गैमीट बाहर ना डेवलप करके फॉलिकल के अंदर ग्रो करता है फीमेल गैमीट अब ये प्राइमरी ऊसाइट बेटा बच्चा जब अभी पैदा नहीं होता तब के समय पे वो प्राइमरी ऊसाइट पे है और अरेस्ट हो जाता है और तब तक वो अरेस्टेड ही रहता है ठीक और ये तब से लेकर द चाइल्ड इज बॉर्न चाइल्ड पैदा हो गया जब तक उस फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होगा उसकी मेंसुरेशन वो लड़की 10 12 साल की नहीं हो जाती तब तक वो अभी प्राइमरी ओसाइट अरेस्टेड ही रहेगा मियोसिस वन स्टेज में यानी उसकी मियोसिस वन बहुत ही लंबी है 10-12 साल की लेंथ है उस मियोसिस वन की वो उसके पैदा होने से पहले ही वो प्राइमरी ऊसाइट बना था और वो प्राइमरी ऊसाइट अपना सेल डिवीजन कंप्लीट करेगा जब द व्हेन द गर्ल रीचेज द एज ऑफ टेन टू ट्वेल्व जब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का ऑनसेट होगा तो ये देखिए शी इज बोर्न विद प्राइमरी ऊसाइट ठीक है शी इज बोर्न विद प्राइमरी ऊसाइट तब तक ये प्राइमरी ऊसाइट में फॉलिकल जो है बेटा ग्रो करता रहता है फॉलिकल जो है वो ग्रो करता रहता है एक पॉइंट अब हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे मियोसिस वन जो है वो कंप्लीट हो गया मियोसिस वन कंप्लीट होगा तो एक स्ट्रक्चर बनेगा सेकेंडरी ऊसाइट सेकेंडरी उइट कैसा है हेप्लॉयड सेकेंडरी ऊसाइड कैसा है हैपेलॉयड और एक सेल बनेगी उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी एक सेल बन गई सेकेंडरी ऊसाइड जो कि बड़ी है और एक छोटी सेल बनेगी वो है फर्स्ट पोलर बॉडी तो देखिए चाइल्ड बर्थ के समय पहले ही प्राइमरी ऊसाइट बन गया था जिसने मियोसिस वन की शुरुआत कर दी थी वो मियोसिस वन में अरेस्ट हो गया था अरेस्ट मतलब वहीं पर रुक गया था और वो तब तक चला जब चाइल्ड पैदा हो गया चाइल्ड बारह साल की हो गई और तब उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुई तब जाके ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो जब कंप्लीट हुआ तो उसमें बना एक सेकेंडरी ऊसाइट और एक बना फर्स्ट पोलर बॉडी ठीक है फर्स्ट पोलर बॉडी अब देखिए ये अंदर यहाँ पे जो है पहले ये समझ लीजिए फिर मैं इधर आपको समझाती हूँ ये सेकेंडरी ओसाइट बेटा जो है ये अपना मियोसिस टू शुरू करेगा भाई मियोसिस वन हुआ है तो मियोसिस टू भी तो होगा तो ये सेकेंडरी उइट अपना मियोसिस टू शुरू करेगा लेकिन ये भी अरेस्ट हो जाएगा ये भी अरेस्ट हो गया ऐसा नहीं है कि कंप्लीट कर लेगा ये भी अरेस्ट हो गया ये कब कंप्लीट करेगा जब स्पॉम की एंट्री होगी जब स्पर्म की एंट्री होगी तब सेकेंडरी ओसाइट अपना जो है म्योसिस टू कंप्लीट करेगा और फिर उसको हम लोग कहेंगे एग और फिर एक बनेगा सेकेंड पोलर बॉडी ठीक तो एक फर्स्ट पोलर बॉडी बना एक सेकेंड पोलर बॉडी फर्स्ट पोलर बॉडी बना जब म्योसिस वन कंप्लीट हुआ सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा जब म्योसिस टू कंप्लीट होगा जब स्पर्म आएगा अगर स्पर्म नहीं आया तो सेकेंडरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट ही रह जाएगा वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो डिस्चार्ज हो जाएगा ठीक तो ये बन गया अब इस एग का फर्टिलाइजेशन जो है वो स्पर्म कर देगा इधर देखिए बेटा फॉलिकल्स भी बने जा रहे हैं प्राइमरी ऊसाइट प्राइमरी फॉलिकल के अंदर है यही प्राइमरी फॉलिकल बड़ा हुआ ठीक और अब बड़ा होते होते जो है वो मेच्योर फॉलिकल बन गया ठीक है ये मेच्योर फॉलिकल में ये है उइट और ये उसकी अराउंड जो है वो पूरा नरिशिंग टिश्यू है ये मेच्योर फॉलिकल को बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल क्या बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल ठीक है ग्राफियन फॉलिकल और इस मेच्योर फॉलिकल में जो है जब ये रप्चर कर जाएगा जब ये ग्राफियन कर जाएगा, तो इसमें से रिलीज होंगे सेकेंडरी ऊसाइट ये सेकेंडरी ऊसाइट को इन फंडिबुलम ओवरी से ओवरी से रिलीज हो जाएंगे इन फंडिबुलम इसको पकड़ के फेलोपियन ट्यूब में डाल देगा वहाँ ये वेट करेंगे स्पर्म आएगा तो ये अपना मियोसिस टू कंप्लीट करेंगे स्पर्म नहीं आएगा तो ये डिस्चार्ज हो जाएंगे ये मेंस्ट्रुअल फ्लो के थ्रू बाहर चले जाएंगे ठीक और जो बचा हुआ हिस्सा है इस बचे हुए हिस्से को भाई ओसाइट तो चला गया सेकेंडरी ओसाइट लेकिन ग्राफियन फॉलिकल में बाकी चीज़ें भी तो थी तो जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा तो ओसाइट चला गया फेलोपियन ट्यूब में और जो बचा हुआ मास है उसको बोला जाएगा कॉर्पस लूटियम ठीक है ये क्या है लेफ्ट ओवर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ठीक है ग्राफियन फॉलिकल का लेफ्ट ओवर पार्ट है ठीक है येलो कलर का स्पॉन्जी मास होता है और ये रिलीज करता है हार्मोन ठीक है कॉर्पस लूटियम रिलीजेज हार्मोन ठीक तो ये हो गया ऊजेनेसिस ऊजेनेसिस कब स्टार्ट हुआ बिफोर चाइल्ड बर्थ सेल्स जो हैं ओवरी की उन्होंने बनाया प्राइमरी ऊसाइट प्राइमरी ओसाइट ने शुरू किया मियोसिस वन जो कि अरेस्ट हो गया वो तब से लेकर अरेस्टेड था जब तक चाइल्ड पैदा हो गई और वो 10-12 साल की नहीं हो गई उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हुई तब तक वो अरेस्टेड था और तब तक ये जो है प्राइमरी ऊसाइट पर प्राइमरी फॉलिकल बना सेकेंडरी फॉलिकल बना और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होगा तो वहाँ पे मेच्योर फॉलिकल होगा जो कि ग्राफियन फॉलिकल कहलाता है ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा सेक और प्राइमरी ओसाइट रिलीज हो जाएगा और वो ऑलरेडी सेकेंडरी ओसाइट बन चुका है और बाकी बचे हुए पोर्शन को कॉर्पस कार्पसलूटियम बोलेंगे जो लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल है और ये जो है बेटा ये सेकेंडरी ओसाइट ओवरी से निकलकर कर फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा वहाँ पे ये स्पर्म की एंट्री का वेट करेगा स्पर्म अगर आ गया तो ये अपना मियोसिस टू का प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा और फर्टिलाइजेश तब ये बन जाएगा एग और इस एग को फर्टिलाइज कर देंगे स्पर्म नहीं आया स्पर्म तो ये ऐसे के ऐसे ही रिलीज हो जाएंगे साइड में यहाँ एक एक पोलर बॉडी बनती रहेगी जिसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है ये डिजेनरेट कर जाते हैं ठीक है अब आइए देखा जाए फर्टिलाइजेशन तो फर्टिलाइजेशन क्या है बेटा फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट तो ये जैसे कुछ पिक्चर्स हैं ये एग है एंड द एग इज सराउंडेड बाय मेनी स्पर्म देखिए एग तो एक ही है लेकिन एक इजैकुलेन में 200 से 400 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं ठीक इतने स्पर्म है और एग एक है तो फर्टिलाइजेशन भी किसी एक स्पर्म का होगा तो उसमें से जो है बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्पर्म जो है वो नेचर ही ही एग सेलेक्ट कर लेता है सिक्सटी परसेंट ऑफ द स्पर्म जो है वो उनकी मोटिलिटी अच्छी है ठीक है और फोर्टी परसेंट स्पॉम्स ऐसे होंगे जिसमें से जिनका विगर अच्छा है विगर मतलब उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर जो है वो अच्छे हैं। तो इन्हीं में से जो भी बेस्ट स्पॉम होगा वो एग को फर्टिलाइज कर पाएगा ठीक है तो यहाँ पे जो है जब एक स्पर्म की एंट्री हो जाएगी तो बाकी स्पॉम्स की एंट्री को ब्लॉक कर देगा एग एग विल ब्लॉक द एंट्री ऑफ अदर स्पॉम्स टू प्रिवेंट मल्टीपल फर्टिलाइजेशन नहीं तो मल्टीपल प्रेगनेंसी नहीं हो जाएंगी एक ही एग को कई सारे स्पॉम फर्टिलाइज कर देंगे तो वो एग जो है या तो क्लिविज करके ट्विंस बना देता है कई बार ये होता है है ना तो वो जो है आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वन एग टू एंड द एग क्लीव्स ठीक है एग क्लीव्स तो वहाँ पे जो है अगर एग क्लीव कर गया तो उस केस में तो वो ट्विंस बन जाएंगे लेकिन आपके फर्टिलाइजेशन हो गया एक ही स्पम एक ही एग से उसके बाद अगर क्लीवेज होता है तो वो एकदम आइडेंटिकल एकदम सेम ठीक है तो वो तो ट्वेंस वाली बात है अब यहाँ पे देखिए ये egg surrounded by sperms, अभी इसको एग हम लोग बोलेंगे जब यहाँ स्पर्म की एंट्री हो गई तब जाके सेकेंडरी ओ अपना मियोसिस टू कंप्लीट करेगा ठीक ये यह देखिए यहाँ पे फाइन अब ये देखिए पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे तो ये देखिए बेटा यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्पॉम है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं एक्रोजोम एकोजोम कंटेन एंजाइम देखिए एक्रोजोमल एंजाइम ये क्या करते हैं ये एग की वॉल को डिजोल्व कर देते हैं तो द स्पम टच द एग जेली कोट एंड इट्स एक्रोजोम रिलीजेज एंजाइम मॉलिक्यूल जैसे ही स्पॉम जो एग का जेली कोट टच करता है ये येलो स्ट्रक्चर जो है ये उसका एग का जेली कोट है तो इसके एक्रोसोम जो है एंजाइम रिलीज करने लगते हैं ये देखिए ठीक द स्पर्म्स एक्रोसोमल एंजाइम डाइजेस्ट द एग्स जेली कोट देखिए इसीलिए स्पॉम को इतने नरिशमेंट की जरूरत थी उसको बहुत काम है भाई अब उसने पूरे जेली कोट को डाइजेस्ट कर दिया जहां से एंट्री करनी उतना तो डाइजेस्ट ही कर दिया नाउ प्रोटींस ऑन द एक्सटेंशन ऑफ स्पर्म हेड बाइंड टू एग रिसेप्टर है ना भाई यहाँ पे मैचिंग भी तो होगी ह्यूमन ह्यूमन का ही स्पॉम फर्टिलाइज होगा दूसरे एनिमल्स का नहीं हो सकता क्यों क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटीन रिसेप्टर एग एग के पास है बाइंडिंग रिसेप्टर उसी के कॉमन बाइंडिंग रिसेप्टर्स जो है वो स्पर्म लेकर आएगा दोनों की आइडेंटिकल मैचिंग होगी एंड द प्लाज्मा ऑफ द मेम्ब्रेन और स्पर्म एंड एग फ्यूज़ दोनों के प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्यूज हो गए द स्पम न्यूक्लियस एंटर्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द एग अब ए, स्पर्म का न्यूक्लियस जो है वो आ गया ठीक और यहाँ पे क्या है कि ये जो है अब एग का सॉरी स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस ये मिल गए यहाँ पे एग का न्यूक्लियस कैसा था बेटा एन और स्पर्म का न्यूक्लियस कैसा था एन और एन और एन स्पर्म न्यूक्लिया जो है वो फ्यूज़ करके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे टू एन जिसको बोला जाएगा जायगोट दिस इज फर्टिलाइजेशन इज ओवर बट इट इज नॉट हैज़ प्रग्नेंसीज प्लेस, फर्टिलाइजेशन हुआ अब ये जायोड बेटा में जाएगा वहां पे इम्प्लांट होगा नाइन मंथ्स के लिए डेवलप होगा यही जाइगोट तो सिंगल सेल से लाइफ शुरू हुई वो सिंगल सेल क्या हैल दट इजगोड इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है जाइगोट ठीक अब देखिए यहां पे क्या है ये जो एग की बेटा लेयर है इसको कहते हैं ये जो है इम्पेनिटरेबल हो जाते हैं इम्पेनिटरेबल मतलब अब इसको कोई एंटर नहीं कर सकता एक बार एक स्पर्म की एंट्री हो गई तो एग ने बाकियों की एंट्री को ब्लॉक कर दिया मल्टीपल फर्टिलाइजेशन अवॉइड करने के लिए प्रिवेंट करने के लिए एग ने अपने आप को ब्लॉक कर दिया इम्पेनिटरेबल बना दिया दैट मोर स्प कैन नॉट कम एंड फर्टिलाइज ठीक तो फर्टिलाइजेशन ये हुआ ये पूरा प्रोसेस फाइन एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज अ ए डिप्लॉइडोट डिप्लॉयडोट क्यों क्योंकि हाफ सेट ऑफ क्रोमोजोम स्पर्म से आया हाफ सेट ऑफ क्रोमोजोम जो है वो एग से आया दोनों फर्टिलाइज हुए और उन्होंने एक फुल सेट ऑफ स्ट्रक्चर वाला सेल बनाया जिसको बोला गया जाइगोट इसी जायगोट में अब डेवलपमेंट होगा ठीक तो ये तो केस हुआ जब स्पर्म की एंट्री हो गई ठीक स्पर्म की एंट्री हो गई पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में क्या होगा जाइगोट फर्दर डिवाइड करेगा जाइगोट बेटा एक सेल है और टू एन स्ट्रक्चर है इसमें माइटोसिस होगा और अब ये बनाएगा बेटा मोरूला मोरूला एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें दो सेल हैं दो से चार सेल बनेंगे चार से आठ सेल बनेंगे सोलह सेल बत्तीस सेल चौंसठ सेल ये ऐसे बनते जाएंगे सेल्स क्योंकि हम लोग इतने बड़े ह्यूज साइज ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स चाहिए बॉडी को तो एक सेल से ही बढ़ते जाएंगे माइटोसिस होगा और ये मोरूला बेटा अब मूव करके जाएगा यूटरस में और यूटरस की वॉल पे जो है इम्प्लांटेशन हो जाएगा इम्प्लानशन मतलब वहां जाके अटैच हो जाएगा यूटेरस की वॉल पे फिक्स हो जाएगा एंडोमेट्रियम पे फिक्स रहेगा नाइन मंथ तक फिक्स रहेगा और ग्रोथ होगा तो ये देखिए पिक्चर ये जो है एक डेवलपिंग एम्ब्रियो का है ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है और इस एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है ये यूटेरस में ग्रो कर रहा है यूटेरस को इसीलिए बर्थ चेम्बर भी बोला जाता है तो यहाँ पे देखिए यूटेरस को सराउंड करते हुए एक स्ट्रक्चर है बेटा प्लेसेंटा ठीक है द स्ट्रक्चर विच सराउंड यूटरस इज नोन एज प्लेसेंटा प्लेसेंटा बेटा दो चीजों से मिलकर बना है आधा स्ट्रक्चर मदर से है और आधा स्ट्रक्चर जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो से है ठीक है यहाँ पे तो ये पूरा जो है देखिए कोरियॉन या कोरियोनिक विलाई जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं यहाँ पे और एमनियन और एमनियोटिक कैविटी जो है वो एम्ब्रियो को सराउंड कर रहा है यहाँ पे ठीक तो ये एमनियन जो है बेटा ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या करता है ये कभी जैसे मदर ने Uh, कोई जर्की एक्शन किया कहीं झटके हुए तो शॉक्स एंड जर्क्स से बच्चे को बचाने के लिए एब्सॉर्ब करने के लिए स्ट्रक्चर क्या है एमनियन ठीक है एमनियोटिक फ्लूड भी है और ये देखिए ये मदर्स ब्लड वेसल्स है और ये कोरियन है ये सब मिलाकर क्या बनाते हैं प्लेसेंटा तो प्लेसेंटा इज अ कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द एम्ब्रियो मदर एंड द एम्ब्रियो ठीक है देखिए शुरू में हम लोग प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में उसको एम्ब्रियो बोलेंगे फिर जब वो थोड़ा डेवलप हो जाएगा ह्यूमन लाइक दिखने लगेगा तो हम उसको फीटस बोलना शुरू कर देंगे ठीक है ड्यूरिंग द लेटर स्टेजेस ऑफ द प्रेगनेंसी तो नाइन मंथ्स की प्रेगनेंसी जो है बेटा तीन ट्राइमेस्टर में बंधी है बटी है थ्री थ्री मंथ ईच ठीक थ्री मंथ के ईच ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर खत्म होते होते वो फीटस पूरा उसको फीटस कहना शुरू कर देते हैं तो प्लेसेंटा का रोल क्या है प्लेसेंटा जब एक कनेक्शन है मदर और एम्ब्रियो के बीच में तो एम्ब्रियो से सारा वेस्ट लेकर जो एम्ब्रियो ने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया भाई सांस ले रहा है लिविंग है है कि नहीं नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज़ किया वो किसको दे देंगे मदर को फिर मदर उसको अपनी बॉडी के थ्रू डिस्चार्ज कर देगी खाना कैसे खाएगा इसको नरिशमेंट कैसे मिलेगा इसको ऑक्सीजन कैसे मिलेगा वो मदर लेगी और मदर जो है प्लेसेंटा के थ्रू इसको दे देगी तो ये देखिए बिल्कुल एक कार्डिनल जो है Uh, एक एक तरीके से हम लोग कहा जाए कि कितना यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशन है सिम्बायोटिक क्या है बेसिकली यहाँ पे द मदर इज डिपेंडेंट ऑन द फीटस इमोशनली द बट द फीटस इज डिपेंडेंट ऑन द मदर फॉर ऑल फिजिकल नीड्स फॉर नाइन मंथ्स पूरा न्यूट्रिशन वहीं से ले रहा है ऑक्सीजन वहीं से ले रहा है और अपना वेस्ट भी उनको ट्रांसफर कर रहा है टू रिमूव तो प्लेसेंटा का रोल क्या हो गया फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड फूड टू द फीटस और फीटस से वेस्ट को लेकर मदर को दे देना और टू रिमूव सीओ टू एंड नाइट्रोजेनस वेस्ट फ्रॉम द फीटस ठीक है ये फंक्शन हो गया प्लेसेंटा का नरिश करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को ठीक जब ये प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा तो जो है यूटेरस की वॉल्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा और द चाइल्ड विल बी पुश्ड आउट ऑफ द मदर्स बॉडी थ्रू द सर्वाइकल कनाल इट विल मूव आउट ठीक है अब आगे देखिए ये तो जो भी हमने डिस्कस किया वो हुआ कि अगर स्पर्म की एंट्री हो गई स्पर्म की एंट्री हुई तो भाई फर्टिलाइजेशन हो गया प्रेगनेंसी हो गई लेकिन अगर की एंट्री ही नहीं हुई तो उस केस में क्या होगा ठीक तो एक तो ये साइकिल है पीरियोडिक साइकिल है ऑफ लास्टिंग फॉर 25 टू 27 डेज बड़े वेरियस नंबर दिए रहते थर्टी डेज तक लिखा रहता है कोई फिक्स नंबर नहीं है साइकिल हर फीमेल में अलग नंबर ऑफ डेज की ये साइकिल ड्यूरेशन की साइकिल होती है ठीक जिसमें से तीन से पांच दिन जो है ब्लीडिंग होती है जिसको बोलते हैं मेंसुरेशन ठीक है इस पीरियड को बोला जाता है मेंसुरेशन थ्री टू फाइव डेज के लिए ये होता है ये लास्ट करता है बाकी दिनों पे ये साइकिल जो है इंटरनल चेंजेस होता रहता है तो जैसे देखिए मैंस्ट्रोल साइकिल जो है बेटा ये जब इसकी शुरुआत होती है तो इसको बोला जाता है मीनार्क ठीक है मीनार्क ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल मैंसुरल साइकिल ठीक है ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मीनार्क जनरली 10 से 12 साल की लड़कियों में होता है ठीक है 10 टू 12 इयर्स और इस ये स्टॉप भी होता है ऐसा नहीं कि लाइफ लॉन्ग चलेगा तो जब स्टॉप होता है इसको बोलते हैं मीनो पॉस. ठीक मीनो पॉस. इसको क्या होगा सिसेशन मतलब स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ये जनरली 45 फाइव टू फिफ्टी ईयर्स ओल्ड फीमेल्स में होता है ठीक है तो जब ऑनसेट होगा मीनार्क बोलेंगे जब स्टॉप होगा तो मीनो पॉज बोलेंगे ठीक है अब इस बीच में ही सिर्फ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है फीमेल में ना मीनार्क से पहले वो रिप्रोड्यूस कर सकती है ना मीनोपॉज के बाद वो रिप्रोड्यूस कर सकती है ठीक है ऐसा क्यों हुआ क्योंकि मीनोपॉज में देखिए बेटा जितनी ओवरी में फॉलिकल्स बननी थी वो फीमेल के चाइल्ड अपने पैदा होने से पहले ही बन गई और धीरे धीरे वो ख़त्म भी होती रहती हैं ठीक है थीके? जब द फीमेल इज़ बॉर्न तो उसमें बहुत सारे फॉलिकल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं डीजेनरेट हो जाते हैं उसको बोला जाता है फॉलिकुलर एट्रेसिया इसीलिए कई जगहों पे लिखा भी हुआ है कि द फीमेल स्टार्ट्स एजिंग एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली पैदा होते ही वो एज करना शुरू कर देती है क्योंकि उसके ओवरी में बने हुए फॉलिकल्स जो हैं वो डीजेनरेट करने लगते हैं अब जो थोड़े बहुत बचे फॉलिकल्स हैं वो या तो फर्टिलाइज होंगे अनफर्टिलाइज्ड हैं तो हर महीने के एक-एक menstrual cycle में वो डिस्चार्ज हो जाएंगे इस तरह करते-करते 45 टू 50 इयर्स पहुंचते-पहुंचते तक वो सारे फॉलिकल्स जो हैं ओवरी में से खत्म हो जाते हैं इस वजह से menstrual cycle भी रुक जाती है खत्म हो जाती है तो ये देखिए ये menstrual cycle जो है हार्मोन्स के कंट्रोल में दो हार्मोन है FSH और LH ये एफ एस एच और एल एच बेटा आपको मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ाया था एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो है वो रिलीज़ करती हैं ठीक है थीके? अब ये क्या है कि जब ये हार्मोन जो है ब्लड में है बेटा तो जब देखिए एफ एस एच का लेवल थोड़ा ज़्यादा है तो फॉलिकल जो है वो ग्रो करते हैं एफ एस एच क्या करता है फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है जो प्राइमरी फॉलिकल है सेकेंडरी फॉलिकल है तो ये देखिए शुरुआत के दिनों में फ़र्स्ट टू फाइव डेज़ तो मेंसुरेशन चलता है तो फर्स्ट टू फाइव डेज़ में आप देखिए यूटरस की वॉल जो है यहाँ पे शेड ही हो रही है ब्लीडिंग होती है ठीक है मैंसुरल साइकिल की शुरुआत में पहले से या तो एक से तीसरे दिन या एक से पाँचवें दिन तक ब्लीडिंग होगी मेंसुरेशन उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पर ये यह जो वॉल है यूटरस की ये फिर से ग्रो करने लगती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन एल एच एंड एफ एस एच फ्रॉम दिट्यूटरी और ओवरी में हॉर्मोन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होंगे एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेर ठीक एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेर जब एस्ट्रोजेन का लेवल कम होता है तब जाके मैंसुरेशन होता है फिर धीरे धीरे आप देखोगे एस्ट्रोजेन का लेवल बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे जो है यूटरस की वॉल वापस थिक कर रही है ठीक फोर्टीन डे पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के फोर्टीन डे पे आप देखिए इस फोर्टीन डे पे क्या है एल एच हॉर्मोन का लेवल बहुत ज्यादा है ब्लड में फोर्टीन डे पे एल एच हारमोन का लेवल बहुत ज्यादा है और यहाँ पे एस्ट्रोजन का भी लेवल बहुत ज्यादा है एल एच का लेवल ज्यादा है इस वजह से एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा है तो यहाँ पे आप देखिए मेच्योर फॉलिकल जो है वो रप्चर हो गया इस हॉर्मोन की वजह से जो मेच्योर फॉलिकल था जो ग्राफियन फॉलिकल था वो रप्चर हो गया और उसने रिलीज कर दिया सेकेंडरी ऊसाइट इस प्रोसेस को बोला जाएगा ओव्यूलेशन क्या बोला जाएगा ओव्यूलेशन तो फोर्टीन होता है ठीक पे होगा ऑफ़ है अगर साइकिल तीस दिन की है तो फोर्टीन होगा अगर किसी की बीस दिन की साइकिल है तो सातवें दिन पे ही ओव्यूलेशन हो जाएगा पांचवे दिन पे तो हर साइकिल पे वेरी करता है ठीक तो मिड ऑफ द साइकिल में होगा, और यहां पे ये ओविलेशन होगा क्योंकि एल का लेवल ज्यादा है ब्लड में और एस्ट्रोजन का भी लेवल ज्यादा है ठीक अब ये देखिए 14 डे पे अब यहाँ पे ओवरी तैयार है आ, आ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तैयार है ये जो अब यहाँ पे अगर स्पॉम की एंट्री हो गई तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा हैं इसीलिए जो है आ, इस पॉइंट के बियॉन्ड प्रेगनेंसी के चांसेस हायर होते इस पॉइंट के पीछे प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं क्योंकि उस टाइम पे फेलोपियन ट्यूब में ओवा होता ही नहीं है अब यहाँ पे है अब अगर स्पर्म आया तो ठीक है वेल एंड गुड फर्टिलाइज हो जाएगा नहीं आया तो ये देखिए धीरे 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 ये वापस से लेवल कम होता है और फिर थर्टी डेज के बाद जो है नेक्स्ट मैंसुर साइकिल स्टार्ट होने से पहले डिस्चार्ज या ब्लीडिंग हो जाएगा तो इफ़ द स्पर्म इज नॉट देयर द अनफर्टिलाइज एग इज रिलीज्ड आउट इन द प्रोसेस ऑफ मैंसुरेशन अलॉन्ग विद द वॉल्स ऑफ द यूटेरस Menstruation, menstruation में क्या क्या डिस्चार्ज होता है अनफर्टिलाइज एग अनफर्टिलाइज एग रिलीज होगा बेटा वॉल ऑफ द यूटरस या एंडोमेट्रियल लाइनिंग एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूटरस ऑफ द यूटरस एंड द कॉर्पस लूटियम ये सब जो है रिलीज हो जाएगा इन मैं ठीक क्लियर नाउ लेट अस कम टू सम बेस्ड ऑन द टॉपिक दैट वी हैव स्टडीड ठीक है एजर्शन रीजन से शुरू करते हैं इन ह्यूमन मेल टेस्टीज आर एक्स्ट्रा एबडोमिनल दैट इज आउटसाइड द एबडोम एंड लाई इन स्क्रोटल एक्ट बिल्कुल सही बात है स्क्रोटम एक्ट एज अ थर्मो रेगुलेटर एंड कीप्स द टेस्टिकुलर टेम्परेचर लोअर बाई टू डिग्री सेल्सियस फॉर परमेटोजेनिस बिल्कुल सही बात है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है इस वजह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए ठीक it इट इज आउटसाइड द in इन scrotal sac? इट्स अ a thermoregulator. क्वेश्चन नंबर two, एट प्यूबर्टी ह्यूमन मेल डेवलप सेकेंडरी sexual कैरेक्टर देखिए प्राइमरी sexual कैरेक्टर क्या है डेवलपमेंट ऑफ टेस्टीज ठीक डेवलपमेंट ऑफ ओवरी ये प्राइमरी sexual कैरेक्टर है सेकेंडरी sexual कैरेक्टर जो बाहर से दिखाई देते हैं जिससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है बिल्कुल mustache ग्रो करता है फेशियल हेयर ग्रो करता है प्यूबिक रीजन में हेयर ग्रो करने लगता है आवाज बदलने लगती है तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एट प्यूबर्टी देर इज अ डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ टेस्टस्टिर इन मेल नहीं मेल हॉर्मोन जो है वो सेक्सुअल हॉर्मोन और टेस्टस्टिर है इसका डिक्रीज नहीं इंक्रीज सिक्रीशन होता है तभी तो सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ती है तो रीजन इज फॉल्स एंड एजर्शन इज ट्रोथ ऑप्शन क्या हो जाएगा सी ये स्टेटमेंट गलत है वजाइना एक्ट एज कॉप्युलेशन कनाल एंड फर्टिलाइजेशन कनाल बोथ गलत बात है कॉप्युलेशन कनाल है कॉप्युलेशन कनाल मतलब बेटा जहां पे मतलब पेनिस को रिसीव कर रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन तो यहां नहीं हो रहा है फर्टिलाइजेशन तो भाई फेलोपियन ट्यूब में हो रहा है ना तो ये स्टेटमेंट ही गलत है तो एजर्शन इज रॉन्ग एंड आगे अब पढ़ना ही क्या एक ही ऑप्शन है वो है डी ठीक अगला क्वेश्चन देखें कि ये हो गया अगला वाला देखा जाए यहाँ पे फिगर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का विथ फ्यू अनलेबल्ड पार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वॉट इज द फंक्शन ऑफ डी डी यू कैन सी डी इज एपीडिडाइमिस प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म स्टोरेज एंड न्यूट्रिशन एंड मैचुरेशन ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन ऑफ टेस्टेस्ट नन ऑफ दिस तो एपिडिडाइमिस का क्या फंक्शन है बेटा स्टोरेज न्यूट्रिशन एंड मैचोरेशन ऑफ स्पर्म आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर लेबल्ड एफ यहाँ पे एफ एफ बेटा क्या है ये जो आपको दिख रहा है ये पेनिस है यहाँ पे तो क्या है आ, एक सेकेंड एफ में अच्छा ये ट्यूब पे लेबल्ड है ये यूरेटर है यहाँ पे यूरेथ्रा सॉरी तो ये यूरेनोजेनाइटल डक्ट है वास डिफरेंस टोटल सैक है इफ़ वी कैन सी ओवर हियर ओके फाइन तो ये क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे इसको हम लोग बोल देंगे

एल्कलाइन सब्सटेंस चाहिए ना बेस चाहिए ना वजाइना का एनवायरनमेंट जो है वो एसिडिक है और स्पॉम जो है वो में जाके डैमेज ना हो जाए इस वजह से उसके सिक्रीश उसको जो है एक एल्कलाइन सिक्रीशन दे दिया जाता है ये एल्कलाइन सिक्रीशन प्रोस्ट्रेट ग्लैंड प्रोड्यूस करता है तो अब इसमें देखा जाए प्रोस्ट्रेट ग्लैंड जो है वो कौन है यहाँ पे जो है तो हो गए सी जो वहां पर लगे हुए हैं न सीमेन इज कलेक्टिवली फॉर्म ऑफ स्पॉम्स एंड सिक्रीशन फ्रॉम ए बी एंड सी ऑल थ्री ठीक है ऑल थ्री देन नेक्स्ट दिस इज अल ऑफ इवेंट्स रिप्रेजेंटिंग द मेंसुरल साइकिल विच टेक्स प्लेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिस इज अ केस बेस्ड क्वेश्चन दैट इज इन ओवरी एंड यूटरज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेक्स हार्मोन इन एवरी ट्वेंटी एट डेज एंड इज मार्क्ड बाय ब्लीडिंग और मैंसुरल फ्लो एट एन इंटरवल ऑफ एवरी ट्वेंटी एट डेज अ सिंगल एग इज रिलीज फ्रॉम आईदर ऑफ द टू ओवरी दो ओवरी हैं दोनों ओवरी साथ में नहीं एग प्रोड्यूस करती एक मंथ राइट ओवरी एक प्रोड्यूस करेगी तो अगले मंथ लेफ्ट ओवरी ठीक है अब देखिए ये डायग्राम है क्वेश्चन है एक्स फेज अकर्स व्हेन ठीक है एक्स फेज अकर्स एक्स फेज कौन सा है मेंसुरेशन फेज ब्लीडिंग फेज तो ये कब होगा ओवम गेट्स फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म या ओवम ओवम रिमेंस अनफर्टिलाइज्ड इन द फेलोपियन ट्यूब ब्लीडिंग तो तब होगी ना जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी ठीक है अगला

चौदवें दिन तक तो ग्राफियन फॉलिकल ऑलरेडी बन गया अब यहाँ पे क्या बनेगा अब नहीं बनेगा ठीक है अब देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाई इट इज द फॉलिकुलर और द प्रोलिफरेटिव फेज विच लास्ट फॉर टेन टू ट्वेल्व डेज देखा जाए एक बार वाई फेज कौन है ठीक है प्रोजिस्ट्रॉन स्टिमुलेट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल ऑफ ओवरी इंटू ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल रेगुलेट द ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ओके यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? प्रोजेस्ट्रॉन स्टिमुलेट्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल ऑफ ओवरिन टू टूग्राफिन फॉलिकल नहीं ऐसा नहीं है ठीक है कौन स्टेटमेंट सही है? वन एंड थ्री ऑप्शन सी एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस थिकेंस एंड यूट्रिकम सिक्रिटरी ड्यूरिंग जेड फेज जो आखिरी फेज है नहीं जेड फेज नहीं कौन सा डायग्राम देखा जाए ये हाँ जेड फेस इन विच फेज द अनफर्टिलाइज ओवम एंड द एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम रेट्रियम डिस्चार्ज थ्रू वजाइना एक्स फेज ठीक है नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग सेवरल चेंजेस अकर इन द ह्यूमन बॉडी मार्क वन चेंज एसोसिएटेड विद सेक्शुअल इन बॉय लॉस ऑफ मिल्क टीथ इंक्रीज इन हाइट क्रैकिंग ऑफ वॉइस वेट गेन क्या होगा क्रैकिंग ऑफ वॉइस In human females, an event that reflects onset of reproductive phase is growth of body, changes in hair pattern, change in voice, mensuration. What is Mensuration. In human males, the testes lie in the scrotum because it helps in the kya hai? formation of sperm. Fine. Which among the following is not a function of testes at puberty? Formation of germ cell, secretion of testosterone, development of placenta. एंड सिक्रिशन ऑफ एस्ट्रोजन ये तो फीमेल में ये भी फीमेल में है तो क्या हो गया इज नॉट अ फंक्शन तो क्या हो गया थ्री एंड फोर देन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इज टेस्टीज से वास डिफरेंस वास डिफरेंस से यूरेथ्रा तो टेस्टीज वास डिफरेंस यूरेथ्रा ठीक दैट्स इट इन दिस चैप्टर ठीक है इस पार्ट में इतना ही हमने पढ़ा एनिमल रिप्रोडक्शन क्या है प्यूबर्टी क्या है मील मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पॉम कैसे बना एग कैसे बना अगर स्पॉम मिल गया तो एग से तो फर्टिलाइजेशन हुआ फिर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या हुआ तो मैंस्ट्रल साइकिल हुआ वो हमने डिस्कस किया कुछ क्वेश्चन किए अगले पार्ट में हम लेकर आएंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो वीडियो होगा हमारा वो लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का पार्ट फाइव में तब तक आप देखते रहिए इस चैनल को और भी वीडियोज हमारे जो पड़े हुए हैं वो देखिए और एनसीआर से टॉपिक्स को पढ़ते रहिए प्रीवियस ईयर लगाइए थैंक यू फॉर वॉचिंग